देखिए मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी सस्पेंस ये बना हुआ है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुखिया। छत्तीसगढ़ में सस्पेंस खत्म हो चुका है, चेहरा साफ हो चुका है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या फॉर्मूला अपनाएगी। क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपनाएगी मध्य प्रदेश में, या फिर शिवराज को लेकर जो अटकलें तेज है कि एक बार फिर से उन्हें कमान मिल सकती है, बीजेपी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। तो इन तमाम सवालों के बीच आज सीएम फेस को लेकर तस्वीर मध्य प्रदेश में साफ होने वाली है। कुर्सियां लग रही है, मंच सज रहा है, दरी बिछ गई है, आज शाम को होने वाली विधायक दल की मीटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पर होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, होमेंद्र से, कि वो दिखाएं कि ये जो पीछे जो हॉल देख रहे हैं, बड़ा सा हॉल, यहां पर सारे विधायकों को बुलाया गया है। शाम को 4 बजे बैठक होगी। जो 3 पर्यवेक्षक हैं जिनमें प्रमुख हैं मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पर विधायकों की बैठक लेंगे, और विधायकों की बैठक के बाद यहाँ जो फोटो सेशन होगा उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यूं तो विधायक दल की मीटिंग बीजेपी मुख्यालय के अंदर होगी, बाहर लगाई जा रही कुर्सियां और बाकी सारे इंतजाम मीटिंग के बाद होने वाले ग्रुप फोटो सेशन के लिए। मतलब आज जब सूर्य अस्त होगा, बीजेपी के किसी न किसी चेहरे का सितारा बुलंद होगा। भोपाल में आज 163 नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है। मीटिंग शाम 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच होनी है। बैठक के लिए सभी विधायक भोपाल पहुँचने भी लगे हैं। यानी आज शाम तक एमपी के सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सभी को इस दिन का इंतजार था, क्योंकि सीएम की रेस में कई नाम हैं। इनमें पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम सीएम की रेस में बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम फेस के लिए नाम तो कई हैं, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के सांसद और विधायक इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। सबने अलकमान पर फैसला छोड़ रखा है। हमारा शीर्ष सदर जो नेतृत्व है वही तय करेगा, और संसदीय बोर्ड तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी यही तय करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व मंथन चिंतन कर रहा है, और जो मंथन में से अमृत निकलेगा वो सामने आएगा। भावनाएं अपना काम करती हैं, परंतु संगठन निर्णय स्वरूप ही है। संगठन का निर्णय स्वरूप ही होता है। पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी तय करती। भारतीय जनता पार्टी में अभी विधायक दल की बैठक होगी शाम को, सब लोग विधायक मिलकर तय करेंगे, और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री। आपके मन में क्या? जो हाईकमांड जिसको चाहेगा वो बनेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला है। 230 सीटों में से 163 पर कब्जा जमाने वाले बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चुनने का फैसला आसान नहीं है, क्योंकि सूबे से लेकर संघ और 24 की चुनौती से निपटने के लिए सियासी समीकरण साधने हैं। भोपाल के पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें 3 पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वो विधायक दल की बैठक में एक नाम पर सहमति बनाएंगे और फिर नए सीएम का ऐलान किया जाएगा। आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर लगेगी, और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। एक और जहां आज मध्य प्रदेश को नया सीएम मिलेगा, तो सीएम पद के दावेदार भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। इनमें मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। विधायक दल की बैठक से एक दिन पहले शिवराज सिंह परिवार के साथ करुणाधाम आश्रम पहुंचे, शतचंडी यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ में पूर्णाहुति देने के बाद शिवराज सिंह खांडवा के लिए रवाना हो गए।
यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। आपके राम राम के असल मायने क्या हैं? राम राम का मतलब होता है भगवान श्री राम जी। देखो, हम तो गांव में जब उठ के ही खड़े होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। शिवराज सिंह ने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वो नतीजों के बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, लेकिन अब नया सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 1% भी न मेरा नाम कहीं है, न किसी प्रकार का मुझे इस सारे उससे, हम अपने काम में लगे हैं। जो कुछ भी निर्णय होगा या होगा विधायक दल का, वो पर्यवेक्षकों का पर्यवेक्षण जो होगा उसके बाद में आप सभी लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, मिल जाएगी आपको जानकारी। पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वही सब कुछ तय करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को कमान सौंपने के बजाय विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना है, क्या उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी फैसला हो सकता है? क्योंकि विपक्ष लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, फिर से इतने एंटी इनकमेंसी में भी आपको जिता कर लाए हैं। जीत का श्रेय तो वैसे इनको ही मिलना चाहिए और कंटिन्यूटी इनकी रहनी चाहिए, पर उनके ट्वीट से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डिमोट करती है, जो खुद नरेंद्र मोदी जी के चैलेंजर बन जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी अब मध्य प्रदेश में ही नहीं सीमित रहेगी, मध्य प्रदेश के बाहर भी जाएगी। उनको चिंता करने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर इतना लंबा इंतजार कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब 7 दिन के बाद भी सीएम का ऐलान नहीं हो सका। बीजेपी ने 2003 में उमा भारती को अपना सीएम कैंडिडेट चुनाव परिणाम आने के 3 दिन के अंदर घोषित कर दिया था। इसके बाद 2008 में चुनाव परिणाम आने के बाद 2 दिन के भीतर बीजेपी ने सीएम का ऐलान कर दिया था, जबकि 2013 में सिर्फ 5 दिन में राज्य का नया सीएम चुन लिया गया था। और साथ ही 2020 में कमलनाथ से सत्ता हथियाने के 3 दिन के अंदर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। लेकिन ये पहली बार है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया। और अब 18 साल शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहने के बाद बीजेपी में कई और उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के संसदीय दल की बैठक के बाद भी पर्यवेक्षक नियुक्त करके रायशुमारी करवानी पड़ रही है।